गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है केल्विन स्केल। प्रीवियस टॉपिक में हमने लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सब्लिमेशन रिलेटेड एक्टिविटी और कुछ क्वेश्चंस करें। वर्कशीट आप लोग सब कर रहे हैं बट कुछ बच्चे भी हैं जो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करते, मतलब वर्कशीट को करने के लिए अटेंटिव नहीं है। डिफरेंस है 8th क्लास और 9th क्लास में। 8th क्लास आपकी क्या है, बहुत छोटे लेवल की क्लास होती है। 9th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेग्रीगेशन होता है सब्जेक्ट का। अटेंटिव है, सारे असाइनमेंट्स टाइम पर डाले। चलो बात करते हैं केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल साइंटिफिक प्रोसेस के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने का स्केल है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो जितनी भी साइंस की कैलकुलेशन होती है रिलेटेड टू टेम्परेचर, उसका बिल्कुल फंडामेंटल स्केल है टेम्परेचर का, केल्विन स्केल। रीजन क्या है, केल्विन स्केल की वैल्यू जनरली लार्ज वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है केल्विन स्केल की, इसकी वैल्यू नॉर्मली ज्यादा एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन ऑफ डिग्री सी। जैसे आपने डिग्री सी बोला तो डिग्री सी में आप बोलोगे 0 डिग्री, केल्विन में 0 डिग्री इक्वल होता है आपका 273.15 केल्विन। वो करके बताऊंगा फॉर्मूला में आपको। तो पहला एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट स्केल है टेम्परेचर का। वैल्यूज ऑफ केल्विन जनरली वी ऑब्टेन द बिग वैल्यूज। तीसरा, साइंस की जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, उसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल है केल्विन। क्या फॉर्मूला है, के इक्वल डिग्री सी प्लस 273.15। ये फॉर्मूला होता है केल्विन को कैलकुलेट करने का, सही है। अब जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, आपको बोला मैंने आपके पास 10 डिग्री सी है, आपको चेंज करना है केल्विन में, तो आप फॉर्मूला लिखोगे के इक्वल डिग्री सी प्लस 273.15। केल्विन में चेंज करना है, डिग्री कितना है आपका 10 प्लस 273.15, कितना हो जाएगा ये 283.15 केल्विन। मतलब 10 डिग्री से इक्वल क्या है 283.15 केल्विन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको केल्विन की वैल्यू मेंशन, जैसे केल्विन बोला आपको 150, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री सी, कोई दिक्कत नहीं। केल्विन इक्वल डिग्री सी प्लस 273.15, केल्विन की वैल्यू क्या है आपकी 150, डिग्री सी प्लस 273.15, सही है। तो डिग्री सी क्या हो जाएगा 150 माइनस 273.15, तो डिग्री सी इक्वल क्या होगा 123.15, बट किसमें आएगी वैल्यू माइनस में। तो इस तरीके से हम केल्विन को डिग्री में और डिग्री को केल्विन में चेंज करते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए आप, एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ डिग्री सी, डिग्री सी के टेम्परेचर वैल्यू पर ये है, एट व्हाट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ डिग्री सी द वैल्यू ऑफ केल्विन बिकम, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ वैल्यू ऑफ डिग्री सी वैल्यू ऑफ केल्विन बिकम 500। मतलब क्या है आपका, किस डिग्री सी टेम्परेचर पर आपके केल्विन का वैल्यू 500 हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए आप, मतलब आपको बताना है कितने डिग्री पर आपके केल्विन की वैल्यू क्या होगी 500 होगी। तो करना क्या है आपको, आपको बताना है डिग्री सी, मतलब एट व्हाट डिग्री सी आपका केल्विन कितना हो जाएगा 500। और सिंपल फॉर्मूला वही लगाना है, क्या है फॉर्मूला, केल्विन इक्वल डिग्री सी प्लस 273.15, सही। केल्विन 500 है, डिग्री सी प्लस 273.15 क्या हो जाएगा, डिग्री सी इक्वल 500 माइनस
273.15 कैलकुलेशन कर रहे हैं प्लस माइनस जो भी आपको करना है सही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको कैलकुलेशन स्केल पर देखने को मिलेंगे आपके स्कूल में, है ना। मैं भी क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा, इसका मतलब नोट शेयर करूंगा, नोट्स में कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेशन के ऊपर आपको सॉल्व करूंगा। सही बेटा, बढ़ते हैं अगले टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, मैंने बताया था क्या प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे पार्टिकल्स दूर जाएंगे सॉलिड के एंड सॉलिड्स इजीली कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और ज्यादा हीट करोगे पार्टिकल्स और मूव करेंगे एंड लिक्विड्स इजीली कन्वर्ट इनटू गैस। हीट करने पर सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अब आपको वापस उल्टा आना है तो क्या करेंगे, देखिए आपके पास गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स आ गए, अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब पार्टिकल विल कम क्लोज, जब हम किसी गैस के पार्टिकल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर की वजह से द पार्टिकल्स ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर, एज ड्यू टू द मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर द गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और प्रेशर अप्लाई करोगे बहुत ज्यादा लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड। रिफाइंड फॉर्म में बोले तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे और कूलिंग करोगे तो गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे कूलिंग बढ़ाओगे लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ग्रेट एग्जाम्पल है आपके वाटर, ये वाटर, वाटर का रखा आपने किसमें, रेफ्रिजरेटर में, आफ्टर 5 to 6 hours वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, सही है। क्यों चेंज हुआ इसमें, क्योंकि आपने क्या करा, कूलिंग करा। तो जब भी आप गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करोगे, टू फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये काम करना है तो प्रेशर बढ़ाइए और टेम्परेचर कम करिए, कूलिंग का मतलब टेम्परेचर कम करना है। तो प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर कम करने पर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। इसका उल्टा करोगे आप ऐसे चलोगे तो क्या करोगे, प्रेशर डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज, उल्टा चलने पर ऐसे चलने पर, सही है। इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड में क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर कम करोगे। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, अगर हम CO2 गैस को का प्रेशर बढ़ाएं, वी इंक्रीज प्रेशर एंड वी डिक्रीज टेम्परेचर रैपिडली, ठंडा कर दें इसको, कूल कर दें CO2 गैस को, देन CO2 गैस कन्वर्ट इंटू ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ही बताया था मैंने आपको, ड्राई आइस काम आता है रेफ्रिजरेंट मटेरियल के फॉर्म में, मतलब ठंडा करने वाला मटेरियल। अब यहां देखिए गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तो ये एग्जांपल है आपका सॉलिडिफिकेशन और सब्लिमेशन, क्लियर है, याद रहेगा, देख लो ध्यान से। देखिए एक क्वेश्चन करता हूं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या मेंशन है एनसीईआरटी क्वेश्चन में, मेंशन वन मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। आप एटमॉस्फेयर की गैसेस को, मतलब सिंपल है आपके पास एयर है, आप एयर को लिक्विड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, ऐसा क्या करोगे दैट एयर कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, क्या करोगे पढ़ के आ रहे, क्या करोगे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे और या फिर टेम्परेचर को कम करेंगे, कूलिंग करेंगे, इन दैट केस एयर कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ये प्रोसेस काम आता है डिफरेंट टाइप के गैस को एयर से अलग करने में, जैसे आपके पास ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, अगर आपको एयर से इन सब गैस को निकालना है तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम एयर को चेंज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद हम करते हैं इसका डिस्टिलेशन। ये पूरा डिटेल आएगा चैप्टर नंबर 2 में, पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको चैप्टर 2 में। एंड डिस्टिलेशन वैसे आपका O2
N2, CO2, H2, ये सब अलग अलग हो जाता है। तो अगर आपको एयर से डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को अलग अलग करना है तो क्या करना है, सबसे पहले एयर को चेंज करें लिक्विड फॉर्म में। कैसे चेंज करोगे, दिस इज अवर आंसर। जब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा उसके बाद करिए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करने के बाद यू विल ऑब्टेन डिफरेंट टाइप गैसें। सही बेटा, बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इवेपोरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मुझे लगता है कि अगले 2 और टर्न आपका चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। देखिए क्या बोलता है ये, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये वर्ड ध्यान रखिए, एनी टेम्परेचर। कई लोग क्या बोलते हैं, जैसे कई बार पूछता हूं क्लास में, एट वॉट टेम्परेचर इवेपोरेशन टेक प्लेस ऑफ वॉटर, वॉटर का इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पर होता है, तो मैक्सिमम आंसर क्या बोलते हैं, 100 डिग्री से। 100 डिग्री पर बॉइलिंग होता है वॉटर का। क्लियर। सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपके पास वॉटर है और आप क्या करिए, उस वॉटर को फ्लोर पर फैला दीजिए। अब आपने वॉटर को फ्लोर पर फैला दिया, क्या होगा, आधे घंटे बाद वॉटर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज वॉटर विल बी इवेपोरेटेड। आपने हीट तो नहीं करा वॉटर को, ना आपने एनर्जी प्रोवाइड करा, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वॉटर कन्वर्ट इन टू वेपर। क्यों हो रहा है वॉटर वेपर में कन्वर्ट, बिकॉज वॉटर नॉर्मली गेट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब बात करते हैं बॉइलिंग का। बॉइलिंग में वही चीज होती है, वेन वी बॉइल वॉटर, वॉटर कन्वर्ट इन टू वेपर। तो डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में, ये आप सोचेंगे। इसका आंसर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर, डिटेल में बताऊंगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। भाई आपने जमीन पर पानी फैलाया फ्लोर पर, तब भी इवेपोरेशन हुआ, बॉइल करोगे वॉटर को तब भी इवेपोरेशन होगा। तो व्हाई वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एनर्जी टू बॉइल वॉटर, हम वॉटर को बॉइल करते क्यों है, इवेपोरेशन तो हो ही रहा है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी हम बात करते हैं किसकी, इवेपोरेशन की, और इवेपोरेशन होता क्यों है। देखिए कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एनी टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2, इवेपोरेशन होता क्यों है। सपोज करिए ये आपके वॉटर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये आपका सराउंडिंग है। सराउंडिंग का मतलब आसपास का एरिया, आपके मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं, आसपास का एरिया मतलब ये नहीं आपकी कॉलोनी। सराउंडिंग मतलब जैसे ये वाटर है, इसके आसपास का सराउंडिंग एनवायरमेंट या एयर। अब हुआ क्या, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब। ये एनर्जी क्या करेगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, लिख देता हूं, क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। मतलब वो क्या है, इवेपोरेशन में द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस एनर्जी ब्रेक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड या वॉटर। ड्यू टू दिस द पार्टिकल ऑफ वॉटर और लिक्विड कन्वर्ट इन टू वेपर। सही है, दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द इवेपोरेशन। एक और चीज, सराउंडिंग से आपने एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, एक क्वेश्चन और छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज और इंक्रीज। क्वेश्चन सुन लीजिए, आपने वॉटर फैलाया फ्लोर पर, इवेपोरेशन हुआ वॉटर का, तो उसके आसपास का एरिया कूल हो जाएगा और टर्न्स हॉट, ठंडा होगा या गर्म हो जाएगा, ये आपको सोचना है। दे दूं आंसर, सुन लीजिए आंसर, जब इवेपोरेशन होता है तो वॉटर क्या कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग की एनर्जी क्या हो गई, डाउन। एज द एनर्जी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज
द टेम्परेचर ऑल्सो ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अगला हमारा इवेपोरेशन के फैक्टर्स के ऊपर। सही है बेटा, वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए, कल मैं इसका वर्कशीट शेयर करूंगा आपको करके दिखाना है सबको, आप 23, 24 जो भी स्टूडेंट्स हैं पूरा सॉल्व करके दिखाइए। सही है, थैंक यू, नाइस डे।